राजमहलों में तो तुम्हारी माँ महारानी है, इस अभागन को वहां मत ले जाओ, क्योंकि मैं अपना दुख किसी और के सर पर नहीं डालना चाहती। तुम मुझे अपना राजमहल ले जाओगी, तुम अपना सर पे अपना बोझ लेकर जाओगी। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का बोझ बनकर रहूं। जाओ बेटे, अपना घर जाओ। क्या माँ, ये कब तक ये दुख सहते रहेगी माँ? माँ, मैं तो कहता हूँ इस शीघ्र चलो उत्तमपुर सर, आज मैं दूध का दूध और पानी पानी फिर लगने के। माँ, इस अभागर को सारी जिंदगी दुख ही दुख मिली, तो राजमालों की सुख कहाँ से पाओगी बेटे? माँ, आज अगर तुम उत्तमपुर सर नहीं जाएगी, आज दिन से मैं भी नहीं जाऊंगा उत्तमपुर सर। माँ, नहीं बेटे। हाँ माँ, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं भी इसी जंगल में रहूंगा, मुझे नहीं रहना राजमहल में। नहीं बेटे, अगर तुम राजमहल नहीं गया तो तुम्हारी माँ क्या, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए दीवार में सर पटक पटक के मर जाएगा। मर जाने दो माँ, अगर तुम यही सोचती हो तो क्यों नहीं चल सकती है? ठीक है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, अगर तुझे इतना ही है तो मैं अवश्य जाऊंगी। चल उत्तमपुर शहर चल बेटे। क्यों नहीं माँ? पुत्र ध्रुव, चलो चलो तुम भी अपने पिता से मिलना। क्यों नहीं माँ, मैं अपने पिताश्री गृह में कब से तरस रहा हूँ माँ, मुझे जल्दी पिताश्री का नाम बता और पिताश्री मेरी कहाँ है, मुझे जल्दी मिला माँ, मैं अपने पिताश्री की गोद में बैठने के लिए कब से तरस रहा हूँ माँ। चल मेरे भाई चल। नींद लेकर नहीं सो सकी, आँखियों में नींद नहीं के दिलवा में चैनवा, मेरे बबुआ तोरा संग राजा चलना।
ना जाने उत्तम कुमार को क्या हो गया है जो हमेशा भाग करके मित्र के पास चला जाता है। पता चला है कि मेरा बेटा फिर से जंगल चला गया। आखिर उत्तम कुमार को हो क्या किया जो हवेली में उसे दिल नहीं लगता। मैं दरबार में अपने बच्चे का इंतजार करता हूं। प्रणाम पिताश्री। आशीर्वाद है। प्रणाम स्वामी। तोड़ हट जा। उत्तम एक बार जंगल गया था तो तू जंगल से दोस्ती लगा करके आया था और जब तू दोबारा भाग करके गया तो ये भिखारन को ले आया। पिताश्री ये भिखारन नहीं है पिताश्री। तो ये मेरी माँ है। शट अप। पागल समझता है तू मुझे। जो माँ तुम्हें जन्म दी है वो हवेली में तुम्हारा इंतजार कर रही है और ये भिखारिन को तू माँ बना करके ले आया दरबार में। पिताश्री जो महल में सोने के झूले पे झूल रहे हैं वो मानी वो काली नागिन है पिताश्री। खबरदार छोटी को बड़ी बात किया तो दीजिए हटाओ। भिखारी मेरे बच्चे को ये अपना करके क्या साबित करना चाहती है तू। स्वामी मैं अपने आप को कुछ साबित नहीं तो बल्कि मैं आपकी महारानी हूँ। मैं कुछ समझा नहीं भिखारी। मैं आपको आपके धरोहर सौंपने के लिए आई हूं। मैं कुछ समझा नहीं लेकिन तू मुझे स्वामी कह करके क्यों पुकारती है। आप मेरे पति हैं। मैं आपके धर्म पत्नी हूं। मुख से क्या पाऊंगी स्वामी आप अपना पहचान ले लीजिए। मैं इस बात को कैसे मान लूं भिखारी। तो बताइए कौन सी सबूत मैं आपको दूं जो आप मुझे धर्म पत्नी मानेंगे पहचानेंगे। कोई सबूत है कोई गवाह है हाँ तो दिखाओ मुझे। मेरे पास एक सबूत है। याद कीजिए उस दिन जब आप जंगल में बेहोश होकर एक भिखारी की शायद ऐसे खराब किए थे और उस भिखारी को मुंद्रिकाएं दान दिए थे। दान? हाँ कैसा मुंद्रिका? ओ भिखारी मैं हूँ। दिखाओ मुझे। लीजिए आप अपना मुंद्रिका पहचान लीजिए। अरे रे कौन चोर? हाथ में क्या देखेगा? अरे हाथ में क्या देखेगा तू? महामंत्री जंगल जा शिकार के लगवा झाली करेल हो।